ऑलराइट, अभी हम लोग पहुंच गए हैं। ये दिख रहे हैं? और फाइनली पहुंच गए हम लोग यहाँ पे। वेल गुड मॉर्निंग। ये नया वाला टी शर्ट कैसा लग रहा है विद? सही है ना? वेल आज एक बहुत नया जगह जा रहे हैं, बट है बहुत हिस्टोरिक प्लेस। और जब हम सर्च किए इसके बारे आज तक रांची में या झारखंड में कोई वीडियो नहीं बनाया, व्लॉग नहीं बनाया। दिस इज़ वेरी डिफरेंट, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है। सो वही चीज़ सोचे कि हम और अविनाश, हेलो, हम लोग आज जा रहे हैं खूंटी से थोड़ा आगे। और ऐसे भी थंबनेल और टाइटल से तो पता चल ही गया होगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सो आज बिरसा मुंडा का जो बर्थ प्लेस है वहाँ पे जा रहे हैं। और ऑन दी वे कैसा है क्या नहीं है वो सब शो करते हैं। चलो और अभी पहुंच गए खूंटी और थोड़ा नाश्ता वास्ता करेंगे यहाँ पर और अपना नाश्ता। ऑलराइट, अभी हम लोग पहुंच गए हैं। इस रास्ते में उली हाथ ये रास्ता जाएगा और देखो लिखो है भगवान बिरसा मुंडा द्वार, और इसी से आगे जब जाते हैं तो उनका जन्म स्थल है। चलते हैं। रास्ते इतने अमेजिंग है और इतना सीनिक है ना कि कुछ कहना नहीं है। कुछ सीन दिखाते हैं, देखना। ये दिख रहे हैं? क्या खतरनाक सीन है भाई। भाई बहुत सही है, रोड तो इतना अमेजिंग है। हाँ, रोड अमेजिंग है, बहुत अच्छा रास्ता है भाई, एकदम आ सकते हो। हम लोग जैसे ही आगे बढ़े तो यहाँ पे दो हेलीपैड दिखा। ये हेलीपैड इसलिए बना था क्योंकि हमारी राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी वो यहाँ पे आई हुई थी, तो इसलिए दो हेलीपैड। और ठीक उसके बगल में नजारे, दो नहीं तीन, वहाँ भी एक हेलीपैड। अच्छा, वहाँ पे भी एक हेलीपैड है, लेकिन तीन हेलीकॉप्टर आते हैं। नजारे देखो। सो लेकिन मजेदार है भाई, मजेदार है, आना जरूर, यू विल एंजॉय द सीनरी। और फाइनली पहुंच गए हम लोग यहाँ पे और ये रहा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली। ये है वो जगह और ऑलमोस्ट 62 किलोमीटर्स कंप्लीट रांची से यहाँ पे ट्रैवल करने में लगा, लेकिन अमेजिंग रोड था, नज़ारे अमेजिंग थे और यहाँ पे आने का वर्थ है। और एक फैक्ट बात जो हम ज़रूर बोलेंगे ना कि लोग सब फॉल्स घूमते हैं, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए अपनी संस्कृति अपने झारखंड की, तो उसको अगर नहीं देखोगे तो इट्स यूजलेस। सो हम लोग प्लान किए और यहाँ पे आए, तो यहाँ पे ताला लगा हुआ है, लेकिन अभी बोले हैं खोलने, आंटी के पास चाबी है तो फिर जाते हैं अंदर। वाह मस्त। अभी ये फिलहाल बंद है, आई डोंट नो इसका चाबी है कि नहीं है। इसका भी चाबी है क्या? इसको थोड़ा सा खोलिएगा ना, इसको भी अगर हो जाता तो इसके अंदर भी जाते हैं। और ये है बिरसा मुंडा जी का वंशावली, लकड़ी मुंडा, कानू मुंडा, सुगना मुंडा, बसना मुंडा, और सुगना मुंडा से आए बिरसा भगवान। फैमिली ट्री, हाँ एग्जैक्टली। और इसको एक बार ये करते हैं। अच्छा, तो आओगे तो जूता खोल के आना। और ये सब बना हुआ है, ये एक्चुअली बता रहे हैं कि अपना जो ब्रिटिशर्स थे उनसे लड़े और फिर वही कम उम्र में उनका देहांत हुआ। तो इधर सब चलो। वाह बहुत अच्छा बना के रहा है। यहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म स्थल, तो इनका यहाँ पे पूजा भी होता है। तो जन्म तिथि देखो 15/11/1875,
मृत्यु 9/6/1900। बहुत अच्छा, जन्म उनका यहीं पे हुआ था ना। और अगर आओगे तो इनके पास चाबी रहता है, बाहर में तुम लोग पूछ सकते हो तो अंदर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वाह, सरकार भी बहुत अच्छे से इसको किया है तो अच्छा। सब निकलते हैं, सॉरी फॉर द फ्लिकरिंग, आगे का दिखाते हैं। इस तरह का बाहर का सीन। और अगर इधर का देखा जाए, क्या सुकून है यहाँ पे, सीरियसली बहुत सुकून है। और कलाकृति जो बना हुआ ना दीवारों पे, उसका एक अलग ही मजा है। और कटहल का पेड़, अमेजिंग। एंड अविनाश, तो 60 किलोमीटर दूर आना रांची से वर्थ था, मजा आया। कार से भी आ सकते हो, नो शूज, रास्ता एक नंबर है, एक नंबर। एंड टर्न्स, अप्स एंड डाउन्स, अमेजिंग है। तो यहाँ पर थोड़ा फोटो शूट करते हैं और उसके बाद और एक जगह जाएंगे। और धरती आबा बिरसा मुंडा जी का कंप्लीट इसको पढ़ सकते हो, पॉज करके कंप्लीट जो लिखा हुआ है उनके बारे सब कुछ। तो झारखंड सरकार अच्छा किया, इसको डेवलप किया है। एंड यस, जो भी अपना झारखंड के एग्जाम्स होता है ना, उसके बारे भी इस जगह का जिक्र होगा ही, पूछा ही जाएगा। सो यू शुड विजिट दिस हिस्टोरिकल प्लेस और अधिक जानकारी यहाँ से एकत्रित कर सकते हो। विजिट करना ज़्यादा बड़ा चीज़ होता है। और अभी उधर से होते हुए आ गए हैं बिरसा मुंडा परिसर में, ये रहा। और यहाँ पे मेमोरी पे स्टैचू बना हुआ, वो ऊपर भी चलेंगे। एक्चुअली इट्स लाइक एक छोटा सा पार्क है, ठीक है, बहुत अच्छा से इसको बनाया है। और मस्त लग रहा है ना, अमेजिंग। और इसके ऊपर चलेंगे तो पहले यहाँ पे जो सीढ़ी था ना, व्हाट आई सॉ, ये गोल घूम के था, अभी कंप्लीट ऐसे ये बन गया है। चलो, जूता खोल के चलना ज्यादा अच्छा है। और ये है नजारा यहाँ से, अमेजिंग। थैंक यू। और इधर का व्यू दिख रहा है, मस्त है ना, बहुत अच्छा किया। तो यू शुड एंड यू मस्ट विजिट इन सच प्लेसेस यार, ये तो अगर नहीं विजिट करते हो इट्स नॉट फेयर। तो हम तो बोलेंगे आज का व्लॉग अमेजिंग रहा, जर्नी अमेजिंग रहा, और आज का व्लॉग को फिर यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, उम्मीद करते हैं ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो टिल देन बाय बाय एंड यू डू टेक केयर। एग्जैक्टली, बाय।